अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे आप सबकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ फटाफट से आलू फ्राई। और ये मैंने ले ली थोड़ा सा आलू फ्राई, क्योंकि लाइव और फेस का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था हमाद का। तो इन बच्चों के लिए मैं बनाऊँगी आलू फ्राई, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और चटपटे मज़ेदार होते हैं। टिक्की का अलग टेस्ट होता है और इसका जो होता है टेस्ट अलग होता है। तो अभी मैं फटाफट से आलू को छील लूंगी अच्छे से। सर्दियों के आलू इतने ज़्यादा किरकिराहट होते हैं, तो आलू को बहुत अच्छे से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि किरकिराहट अगर रह गई तो हमारी पूरी रेसिपी हो जाती है ख़राब। लेकिन ये है कि सर्दियों के आलू भी बड़े मज़ेदार होते हैं, तो ये चीज़ें तो हम जब भी बनाते हैं जब सर्दियाँ होती हैं, कभी आलू टिक्की, कभी आलू फ्राई, बहुत सारी आलू की भी कई सारी चीज़ें बनती हैं जो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं, चटपटी। और सर्दियों में तो चटपटा खाने का दिल ही करता है। और पता नहीं क्या ही होता है, बच्चे मेरे किसी भी चीज़ के लिए फरमाइश करते हैं तो पता नहीं क्यों मेरे से मना नहीं होता है, मैं फौरन ही बनाने खड़ी हो जाती हूँ। अब ये है कि बस छोटे बच्चों के लिए हम ही तो करेंगे, और कौन करेगा। तो और मेरे से तो खैर अपने ही बच्चों के लिए या किसी के भी काम के लिए मेरे से मना ही नहीं होता है, मैं फौरन ही हाजिर रहती हूँ। और ये आलू छील लिए मैंने सारे। उसे आलू को क्या करूंगी मैं, एक में से दो कर लूंगी, सिर्फ इतने बड़े। जब आलू तो सर्दियों में रखे ही रहते हैं घर में, तो बस ये होता है कुछ ना कुछ, अगर कुछ और नहीं मिल रहा होता आलू की, कुछ ना कुछ बना के खाएं और खिलाएं। और मैं तो ज़्यादा पता क्या करती हूँ, अगर क्या होता है घर में जब बच्चे भी नहीं होते, बच्चे स्कूल ट्यूशन गए हुए होते हैं, तो नाश्ता लाने की परेशानी होती है, जब कोई मेहमान आ जाता तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट से बेसन तो अवेलेबल रहती है हमारे यहाँ, बेसन लिया, आलू भी रहते हैं, प्याज भी रहती है, हरी मिर्च और सब चीज़ें काट पीट के बना दी पकौड़ियाँ मज़ेदार सी, और साथ में हो चाय तो बस मज़ा ही आ जाता है नाश्ते का। और अब तो वही वाली बात है, नमकीन बिस्किट तो पुराना ही नाश्ता लगता है, बच्चों वाली चीज़ें लगती हैं, लेकिन जिसके लिए भी मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं सबों ने ही तारीफ़ करी है कि यही है बेस्ट नाश्ता। और ये आलू मैंने अच्छे से धो लिए हैं, और अभी आलू को क्या करना है, इन आलूओं को उबालूंगी मैं। तो ये छोटी सी मैंने पतीली सी ले ली है, इसमें डाल दूंगी और इसे करने थोड़ा सा उबालूंगी। और ये आलू मैंने उबाल लिए हैं, ये आलू इतने उबाले मैंने 80% 20% फ्राई होने में हो जाएंगे ये बॉल्स एकदम सही। तो मैं गैस कर दूंगी बंद, फ्री पैन में मैंने रख दिया तेल गर्म होने के लिए, और इधर प्लेट में रखे आलू। अब मैं बनाऊंगी इसमें ऊपर से डालने का मसाला, जो कि मैजिक होगा, बहुत टेस्टी और बहुत ही बढ़िया होगा। और ये ऑयल हो गया गरम खूब अच्छे से, अब इसमें क्या करना है, आलू फ्राई करने हैं। और आलू ऐसा फ्राई करने हैं एकदम कलर आना चाहिए बढ़िया, एकदम गोल्डन ब्राउन। ऐसे थोड़ा सा तो टाइम लगेगा फ्राई होने में, लेकिन बहुत एहतियाती से फ्राई करना है, क्योंकि ऑयल होता है बहुत ज़्यादा गर्म, कहीं छींटे ना आ जाए। और इधर थोड़ा सा मैंने जीरे को भूनूंगी, जीरे को भून लिया, इसको अब दरदरा पीस लूँगी मैं, और चम्मच को चलाती रहूँगी मैं, क्योंकि चम्मच चलाने से क्या होता है एक साइड से हल्का ये डार्क हो जाएगा, चम्मच चलाती रहूँगी तो एक से ही पूरा ही गोल्डन ब्राउन एक से ही आलू निकलेगा फिर हमारा। आलू ब्राउन होते जा रहे हैं, बस दो तीन मिनट और करूँगी फिर मैं निकाल लूँगी। अब कलर देखो कितना अच्छा आ रहा है आलू का, आलू खूब अच्छे से हो गए फ्राई जैसे मुझे चाहिए थे, और इसे मैं निकाल लूँगी। और देखने में इतने बढ़िया लग रहा है, इतने मज़ेदार लगेंगे खाने पे, कितने मज़ेदार लगेंगे फिर।
मैं पूछ ही नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ खाने के बड़े मज़ेदार लगेंगे, क्योंकि ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ, बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ। और ये मैं निकाल लूँगी प्लेट में। अब इसमें मिलाऊंगी मैं मसाला, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी ये पीली मिर्च, भुना हुआ जीरा, और इसमें थोड़ा सा डालूंगी ये चाट मसाला, और ये है मैजिक मसाला हमारा। अब इसके अंदर मैं डालूँ इसको, खूब अच्छे से मसाला इसमें मिला लूँगी, ताकि एक एक आलू में मसाला खूब अच्छे से मिल जाए। और ये पता है बहुत ही बस मैजिक वाला मसाला, ये हम बना के भी रख सकते हैं, किसी भी फ्राई हुई हुई चीज़ में हम डाल के खा सकते हैं। अरे देखो कितने बढ़िया लग रहा है। अब मैं लूँगी ये टमाटर केचप, टमाटर केचप भी डाल दूंगी इसमें। और ये और डाल दूंगी मैं टमाटर केचप, और ये आलू फ्राई है रेडी। बस सर्दियों में चुटकियों में बनने वाली चीज बनाए, खाए, अपने बच्चों को खिलाए, अपने रिश्तेदारों को खिलाए, मेहमानों को खिलाए, जिसको दिल करे वो खिलाए। और यहाँ पर आ जाए मेरे भतीजे, और भतीजों को सबसे पहले दिया है मैंने, भतीजे बताएंगे कैसे बनाया है मैंने। गरम हो रहा है अर्श, गरम बढ़िया हो रहा है। अरे फेस का भाई ये तो बढ़िया हो रहा है, कैसा लग रहा है, सही बना? देखा आते रिया करा करो चाची के पास में, वो लग के तुम्हारा क्या रेसिपी बना रही होंगी मैं। वीडियो बनानी चाहिए, मैं भी तक रह गया मेरा मोबाइल कसम से। बाबा हो रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं भी ट्राई करूँ कि कैसा बना कैसा नहीं बना। अरे ये तो वाकई मेरा हाथ हिलाए जा रहा। बढ़िया हो रहा है। देख ईमानदार से बता, बहुत लोग सोचते मैं ना फेस को पैसे देती हूँ तारीफ करने का, तुम बताओ कैसा बना? बढ़िया कसम से। मेरे आलू फ्राई कैसे लगे जरूर बताइएगा, और ये छोटी सी बच्ची से बच्चों को बना के खिला दो, बच्चे खुश हो जाते हैं सच में। और आज का ब्लॉग रेसिपी एज भी कर यही एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।